क्रोध में नरसिंह भगवान की जीभ निकल आई, विशाल जीभ निकाले फांपते हुए। नरसिंह भगवान खड़े, सारे देवता परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं बचेगा, सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, क्या करें, अब कौन भगवान को शांत करे। तो बोले जो किसी से न शांत हो वो पत्नी से शांत हो जाता है। दुनिया में जो कहीं शांत न होता हो वो चौखट के अंदर जाते ही शांत। तो बोले लक्ष्मी जी से कहो वो शांत कर देंगे। तो सारे देवता लक्ष्मी जी के पास भाग के गए। बोले मां प्रभु अगर ज्यादा देर तक व्यथित रहे ना, ये जितना इनका रूप है विष्णु, ये ज्यादा देर तक भयंकर रूप में रहे तो सारे सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, इसलिए जल्दी चलो और आप इन्हें रोको, शांत करो, आप ही शांत कर सकती हैं। तो लक्ष्मी ने जब ये बातें सुनी, प्रशंसा सुनी, तो लक्ष्मी जी ने कहा इतनी देर में शांत कर देंगे, चिंता मत करो। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर रूप बना करके, अच्छी साड़ी पहन करके और पहुंची, बोले अभी अभी शांत करती। और लक्ष्मी जैसे पहुंची सामने तो नरसिंह भगवान प्रहलाद की तरफ मुंह किए हुए थे। तो लक्ष्मी जी और नजदीक पहुंची और नजदीक पहुंची, तो तब तक तो नरसिंह भगवान प्रहलाद की तरफ मुंह किए हुए, और जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की तरफ से मुंह फेरा और लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो लक्ष्मी जी तुरंत ही भाग खड़ी हुई, एक सेकंड नहीं रुकी, एक सेकंड भी उनका रूप नहीं देख पाई, सीधे घर पे। प्रभु ये रूप तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा तो हमने पहली बार, ये कौन सा रूप बनाया आपने। लेकिन ध्यान रखना भगवान को केवल एक ही है जो शांत कर सकता है, भगवान को केवल भक्त ही शांत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। प्रहलाद भगवान के चरणों पर गिर पड़े और जैसे चरणों पर गिर पड़े प्रहलाद भगवान तुरंत शांत हो गए, उठाया गोद में और कहा प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे तुम्हें बचाने में बहुत देर हो गई, ये मेरा ठाकुर ही है जो प्राण रक्षा भी करता है और क्षमा भी मांगता है, क्षमा भी मांगता है। वरना ये संसार अगर एक कदम भी आपके साथ चलेगा ना, पूरे समाज में कह देगा अगर हमने तो उनके साथ ऐसा किया, हमने तो उनके साथ ऐसा किया, लेकिन ठाकुर प्राण रक्षा की, जिसने प्राणों की प्रहलाद की रक्षा की, उसके बाद भी भक्त से क्षमा मांगता है, पुत्र मुझे क्षमा कर देना, मुझे देर हो गई। भगवान ने कहा प्रहलाद जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। तो प्रहलाद ने कहा प्यारे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस कृपा करके इतना कर देना कि मेरे पिता की सदगति कर देना। देखो भक्त इसे कहते हैं, जिसने प्रहलाद को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कुछ भी बकाया नहीं रखा, लेकिन प्रहलाद ने मांगा तो पिता की सदगति मांगी। जो बैर का बदला कभी बैर से नहीं लेता है वही भक्त है। भगवान से कहा प्रहलाद ने कि हमारे पिता की सदगति कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम सदगति की बात करते हो, एक पिता की सदगति की बात करते हो, अरे जिसके परिवार में एक भक्त हो जाता है मैं उसकी 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। प्रहलाद तुम एक पिता की बात कर रहे हो, 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी तो उदास हो गए। बोले प्रहलाद ने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया और हम आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं, इसलिए प्यारे यदि हमारा सच्चा समर्पण है, सच्ची निष्ठा भगवान के प्रति है, सच्चा समर्पण है, तो परमात्मा हमारी अवश्य रक्षा करेगा और पल पल पर रक्षा कर रहा है प्यारे। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज
त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र रहता, गज रहता। वहां वरुण नाम का एक उद्यान था, उसमें एक बड़ा भारी सरोवर था। वहीं पर हाथी अपनी हथनियों के साथ और बच्चों के साथ रहता था। यद गंध मात्रा दुरयो गजेंद्र व्याघ्र दयो व्याल मृगा शखंग मोरगाशा भयाद द्रवंती शगोर कृष्ण सर्वाश मरिया। वो ऐसा था गज जिसके भय से उस पूरे क्षेत्र में कोई विचरण करने तक नहीं आता था। एक दिन वही गज जल पीने के लिए सरोवर में गया और जैसे ही उसने अपना पैर जल में बढ़ाया वैसे ही ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया, खींचने लगा। ग्रह तो अपनी तरफ खींचे और गज अपनी तरफ खींचे। बहुत दिनों तक यह संघर्ष चला महाराज, लेकिन ग्रह जल का जीव और हाथी थल का जीव, तो जल के जीव की ताकत जल में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हाथी हारता गया। और जब हथनियों ने बच्चों ने देखा कि अब हम इसे नहीं बचा पाएंगे, कहीं हमारे ऊपर ना कोई दिक्कत आ जाए, इसके साथ हमें भी न मरना पड़े, तो हथनिया और उसके बच्चे सब छोड़कर उसे चले गए। यही संसार है, ध्यान रखना, यही संसार है। संसार ज्यादा दिन तक आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है। ये संकट में बहुत कम ही ऐसे हैं जो साथ देते हैं प्यारे, अपने छोड़ जाते हैं। मैंने बताया नहीं कि जब बीमार पड़े ना हम, तो कुछ दिन सेवा होती है और कुछ दिन के बाद महीने दो महीने चार महीने छह महीने बाद तो प्रार्थना होने लगती है, प्रभु इनकी सीताराम हो जाए तो ही बढ़िया, ये प्रार्थना होने लगती है। इसलिए संसार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, सच्चा हमारा रखवाला तो परमात्मा ही है और कोई नहीं है। आपका सच्चा साथी कोई नहीं है, सब संकट में साथ छोड़ जाते हैं, ध्यान रखना, कोई आपका नहीं। इसलिए संसार में ज्यादा मगन मत रहना, संसार में ज्यादा उलझना मत। लेकिन हम ऐसे उलझ गए हैं, इतने उलझे हैं इस दलदल में कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। इतनी इसमें उलझ गए हैं कि जो ये परम सौभाग्य हमें मिला है, कैसे कृपा होती है परमात्मा की, तब सत्संग करने का शुभ अवसर मिलता है। बड़े जन्म पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण का अवसर मिलता है, लाभ मिलता है जीवन में। और हम कितने निकष्ट हैं, हमसे क्या बोला जाए कि हम फिर भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमसे ज्यादा और कौन अभागा हो। हम अनर्गल चर्चाओं में, अनर्गल बातों में, सब में प्यारे, ये संसार तनाव ही देता है और कुछ नहीं देगा। इस संसार में टेंशन, तनाव, उलझन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है इसके अलावा। हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम परमात्मा से अलग हुए हो चुके हैं। हम संसार में, हम इस दलदल में फंस चुके हैं। यहां टेंशन, तनाव, उलझन, दुख, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां सब दुखी हैं, जो गृहस्थ हैं वो भी दुखी हैं और जो गृहस्थ नहीं है वो भी दुखी हैं। जिसका विवाह हो चुका वो भी दुखी और जिसका नहीं हुआ वो भी दुखी। कोई यहां सुखी नहीं है प्यारी,
एक लड़का था, उसका नया नया विवाह हुआ, बहू आई घर पे, दो चार दिन बहू रुकी, चार छह दिन बाद शायद विदा होती है। तो उसके बाद विदा का समय आया तो उसके भाई बुलाने के लिए आ गए। तो भाई बुलाने के लिए आ गए, तैयारी होने लगी विदा की। तो जैसे जैसे तैयारी होने लगी विदा की, जैसे जैसे बहू के जाने का, पत्नी के जाने का समय नजदीक आता जाए, उतना ही लड़का उदास होता जाए। बिल्कुल जब समय कम रह गया, तैयारी पूरी हो गई, अटैची लग गई, तो पत्नी से बोला, ऐसा है हम आपके साथ स्टेशन तक चल सकते हैं, कम से कम चलो स्टेशन तक ही साथ होगा, वहीं तक छोड़ाएंगे आपको। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, स्टेशन चलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पत्नी ने कहा, हाँ स्टेशन छोड़ सकते, कोई बात नहीं। तो लड़का स्टेशन चल दिया छोड़ने के लिए पत्नी को। प्लेटफार्म पर पहुंचा, बैठ गया, टिकट ली, टिकट दे दी। अब जैसी गाड़ी आने का इंतजार करने लगा, अब जैसी गाड़ी आने का समय नजदीक आता जाए, वैसी और सुस्त होता जाए और उदास होता जाए। और जब दो तीन मिनट रह गए गाड़ी आने में, ट्रेन आने में, तो इतना सुस्त हो गया, इतना उदास हो गया, सोचते सोचते आंखों से आंसू निकलने लगे। पत्नी ने देखा, ये तो रो रहा है। तो पत्नी ने कहा, रोते तुम्हें शर्म नहीं आती, भाई के सामने रो रहे हो, चलो हटो उधर रो जाके। बेचारा वहां से हटा, एक बर्थ पड़ी थी उस पर बैठने के लिए गया, तो देखा उस पर पहले ही से एक व्यक्ति बैठा रो रहा। उसने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे? उसने कहा, हम तो पहले ही से रो रहे हैं, तुम बताओ तुम क्यों रो रहे? बोले, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि जो ये गाड़ी आने वाली है ना, इसी से हमारी पत्नी जाने वाली है। उसने कहा, हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस गाड़ी से तुम्हारी पत्नी जाने वाली है, उसी से हमारी आने वाली। यहां कोई सुखी नहीं है, ध्यान रखना, इस संसार में कोई सुखी नहीं है प्यारे, सब दुखी है। और यहां कोई किसी का नहीं है, यह भी बात सत्य। तो हथनिया सब छोड़ के, बच्चे सब छोड़ के चले गए बेचारा। उसने सोच लिया कि अब कोई मेरा संसार में नहीं है। ग्रह ने खींच लिया अंदर, खींचता चला गया। और जब रह गई सूड, जौ भर सूड रह गई, बिल्कुल मरने के कगार पर पहुंच गया, तो परमात्मा का ध्यान आया। बोले, अब ठाकुर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। और जैसे सब कुछ छोड़कर, संसार को छोड़कर अपना ध्यान गजने परमात्मा में लगाया, सब कुछ उस समय भूल गया, सारा संसार की विस्मृति हो गई। और संसार की जैसी विस्मृति हुई और परमात्मा का हृदय में सच्चे हृदय से भाव आया, और जैसे सच्चे हृदय से भाव आया वैसे चिल्लाया, परमात्मा का नाम लिया, रा कह पाया। और जैसी रा अक्षर परमात्मा के कान में पहुंचा, तो भोजन करने जा रहा था ठाकुर, पहला ग्रास उठाया था, और जैसे ही मुंह में देने के हुआ वैसी रा शब्द सुना, और जैसे ही रा सुना ग्रास को वहीं पर छोड़ दिया। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, अरे क्या कर रहे हो, भोजन की थाली छोड़कर कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मी, इस समय हाथ मत पकड़ो, इस समय हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु इतनी वेग से चले। गरुड़ ने कहा, महाराज अरे बहुत शीघ्रता हो तो हमारे ऊपर बैठो, जल्दी से चलो। भगवान ने कहा, गरुड़ आज तुम्हारी गति भी हमारे काम नहीं आएगी, आज तुम्हारी भी गति काम नहीं कर सकती। इतनी तेज भगवान गए कि जब तक माँ कहता गज, तब तक गरुड़, तब तक भगवान ने जा करके अपने चक्र से ग्रह का मस्तक काट दिया और गज का उद्धार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ग्रह का मस्तक काट दिया और एक हाथ से गज के पग को जल से बाहर निकाला। भक्तों ने संत से पूछा, महाराज एक बात बताओ, पुकारा तो गज ने था, तो उद्धार सबसे पहले गज का करने चाहिए था, लेकिन भगवान ने गज का बाद में उद्धार किया, ग्रह का पहले कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो संत ने कहा, सुनो, भगवान का प्रण है
वो अपने भक्त का उद्धार बाद में करता है, लेकिन जो उसके भक्त के पैर पकड़ता है उसका वो सबसे पहले उद्धार कर देता है। ये भगवान का प्रण है, जो भक्त के पैर पकड़ता है उसका वो उस भक्त से भी पहले उद्धार करता है। ग्रह का मस्तक काट दिया, गज का उद्धार किया। इस तरह भगवान ने, ये गज और कोई नहीं है, ये गज हम ही आप हैं, ये हमारा मन ही, ये हमारा जो मन है ना, यही गज है। और ये सरोवर है, जल, जल क्या है, ये अनंत इच्छाएं कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, ये अनंत इच्छाएं ही प्यास है। ये प्यास हमारी बुझती है, बोलो कभी बुझती है? कभी नहीं बुझती ना। और अंत में क्या होता है, इस आकांक्षा रूपी प्यास ये बुझती नहीं है, इच्छा रूपी प्यास नहीं बुझती है। और एक दिन क्या होता है, इसी में लगे हुए एक दिन काल रूपी ग्रह हमारा पैर पकड़ लेता है। ये ग्रह और कोई नहीं है, ये ग्रह काल। लेकिन इस मृत्यु के भय से अगर कोई मुक्त करा सकता है तो वो और कोई नहीं है, वो कौन है, वो है मेरा ठाकुर, मेरा परमात्मा। गज का उद्धार किया गज ने, सुत की नाथ, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने। मैंने पुकारा, संग सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को हमने पुकारा, संग सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को हमने पुकारा, संग सब कर गए हैं किनारा, अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, अब तो देता न कोई दिखाई, अब तो देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा है हमको सहारा, अब तो देता न कोई दिखाई, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबो।
पे आए, इस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, इस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, पे तेरी दया दृष्टि हो गए, दृष्टि हो गए उस पे कैसे कोई आंच आए, जिस पे तेरी दया दृष्टि हो गए उस पे कैसे कोई आंच आए, आंधियों में तो तू ही संभाले, आंधियों में तो तू ही संभाले, मेरी कैया है तेरे हवाले, बच्चों को बचा ले दीवाने, मेरी कैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा ले दीवाने, मेरी कैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा ले दीवाने, मेरी कैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। गज ने जब संसार का सहारा छोड़ दिया और संसार का सहारा छोड़ करके जैसे ही उसने परमात्मा का सहारा पकड़ा, उसी क्षण परमात्मा ने एक सेकंड की भी देर नहीं की। ध्यान रखना, जब कोई संकट आए तो संसार की तरफ मत भागना, संसार की तरफ, संसार से सहारा, संसार से मदद मिल जाए ये मत सोचना, अपने मन को उसी क्षण ठाकुर से जोड़ देना और उससे अपनी करुण पुकार कह देना, तुम्हारी समस्या का समाधान तत्काल वो कर देगा, ये गारंटी है इस व्यासपीठ से। लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए। बस एक भक्त ने पूछा कि महाराज, कर्म के बस में फंस करके जीव इस संसार में, इस कीचड़ में फंस करके आपकी तरफ नहीं चल सकता, उसकी क्या औकात है? आपकी कृपा से अगर कदम एक चल भी दे आपकी तरफ, तो आप कितना चलेंगे उसकी तरफ? तो भगवान ने कहा, अगर जीव मेरी तरफ एक कदम चलेगा ना, तो हम भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। तो संत ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने भी एक कदम बढ़ाया, हम तो दीन मलिन हीन सब कुछ, हम अगर एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएं और आप भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएं, तो फिर हमें आप में अंतर क्या रहा? तो भगवान ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, एक चरण तेरो परे, एक चरण तेरो परे, मम हित चित ते छूच, मेरो चरण बढ़ाइबो, राजा बलि ते पूछ, राजा बलि ते पूछ।
अरे तू तो एक कदम चलेगा, लेकिन तेरे एक कदम में और मेरे एक कदम में अंतर कितना होगा? अरे ये तूने कभी समझा है? अगर मेरे एक कदम मेरा एक कदम कितना होगा, अगर ये जानना चाहता है तो राजा बलि से पूछ लेना। मेरा एक कदम तेरे पास ही गिरेगा, अन्यत्र कहीं नहीं गिरेगा, तू चिंता मत कर। इसलिए प्यारे, यदि हम समर्पण के साथ उससे जिस क्षण पुकार लगाएंगे, उसी क्षण हमारा कल्याण हो जाएगा। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, कि जब दुर्वासा ऋषि के साप से देवता श्रीहीन हो गए, वो कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, दुर्वासा जी ने साप क्यों दिया देवताओं को? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, एक दिन दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे, एरावत पर चढ़े हुए इंद्र को देखा तो दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी, तो इंद्र ने उसे एरावत के हाथ गले में डाल दिया, एरावत ने उसे जमीन पर डाल करके उसको कुचला। दुर्वासा को क्रोध आ गया कि हे इंद्र, तू इतने अभिमान में चूर है, मेरे द्वारा दी गई माला को तूने जमीन पर हाथी से कुचलवा दिया, जा ये तेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा इंद्र, तू श्री विहीन हो जाएगा, तू श्री विहीन हो जाएगा। तो जब ये श्राप दे दिया तो सारे देवता परास्त हो गए दैत्यों से, इंद्र श्री विहीन हो गया, सारा राज्य चला गया। भटकने लगे देवता, भगवान के पास भटकते हुए पहुंचे, प्रभु हमारी रक्षा करो, दैत्यों ने सारा हमारा राज्य छीन लिया है। तो भगवान ने कहा, देखो देवताओं, अब तुम इस समय नहीं जीत सकते, इस समय तुम जीत नहीं सकते दैत्यों से, वो बिल्कुल समार्ग पर चल रहे हैं, इस समय आप उनसे नहीं जीत सकते, फिर क्या करें? बोले, इस समय तुम उनसे संधि कर लो, उनसे समझौता कर लो, संधि कर लो। पन्नगार यस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहें, अति नीचौ सन प्रीत करिय जान निज परम हित। अगर लोक कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण होता है, तो अति नीच से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, परोपकार के लिए, सामाजिक लाभ के लिए। तो बोले, इस समय संधि के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देवताओं ने भगवान के अनुसार दैत्यों से संधि कर ली, समझौता हुआ। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, समुद्र मंथन करना है और जो अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा हम तुम्हें पिला देंगे, तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्यों से लड़ोगे, फिर वो नहीं तुम्हें जीत पाएंगे, वो परास्त हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली, समझौता हो गया, समुद्र मंथन करने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो सुमेर मथानी बनाई गई मंद्राचल की, तो मंद्राचल को कौन लाए? तो मंद्राचल पर्वत को उठाने के लिए दैत्य और देवता दोनों लगे, लेकिन इतना भारी मंद्राचल कैसे ला पाए? तो भगवान ने गरुण के द्वारा मंद्राचल पर्वत को उठवा लिया। ये मंद्राचल पर्वत क्या है? ये मंद्राचल पर्वत ही हमारी समस्या है, हमारी जो टेंशन, हमारी जो समस्याएं हैं, यही मंद्राचल पर्वत हैं। कभी कभी इतनी विशाल समस्या हो जाती है कि हमारे द्वारा वो नहीं हल हो पाती हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं, तो उस समय उन समस्याओं का निराकरण हमारा परमात्मा ही करता है, वही कर सकता है।
तो मंदराचल को भगवान ने मंगवा लिया। अब इसके बाद बासुक की मथानी बनाई गई। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम ये कहना कि हम फन की तरफ लगेंगे, हम बड़े हैं, हम फन की तरफ लगेंगे। तो दैत्य जब जिधर तुम लगोगे, दैत्य उधर ही लगने के लिए कहेंगे। तो तुम कहोगे फन की तरफ लगेंगे, दैत्य कहेंगे हम फन की तरफ लगेंगे। तो उन्हें फन की तरफ लगा देना, तुम पूंछ की तरफ लग जाना, क्योंकि जब मंथन होगा ना और जब खींचा जाएगा बासुक को, तो उनके मुंह से विष निकलेगा, उससे साला सारा पूरा का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा। इसलिए तुम यही कहना। देवताओं ने वही कहा कि हम फन की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा तुम कैसे फन की तरफ लग सकते हो, फन की तरफ हम लगेंगे। तो देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, आप लग जाओ। तो दैत्य फन की तरफ लग गए, देवता पूंछ की तरफ लगे। मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने स्वरूप का छप्पर स्थापित किया, मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही मंथन होता था, तो वैसे ही बासुक के मुंह से विष निकलता था, जो कि दैत्यों के शरीर पर पड़ता था, जिससे दैत्यों के सारे शरीर काले पड़ गए। तो सबसे पहले महाराज विष निकला। अब ये विष कौन पिए, विष कौन पिए? तो सारे देवताओं ने, भगवान सहित सबने भोलेनाथ का ध्यान किया। प्रभु इसको तो आप ही पी सकते हो और कोई नहीं पी सकता है, आप ही पी सकते हो। भगवान भोलेनाथ ने वह विष पी लिया। तो सब तो देव रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ कौन बन गए बोलो? देवों के देव महादेव। ये विष क्या है? ये विष और कुछ नहीं है, ये समाज की बुराई, निंदा, ईर्ष्या, घृणा, अपमान, जो इन इन चीजों के रूपी विष को जो पचा जाता है, अपमान रूपी विष को जो पचा जाता है, घृणा रूपी विष को जो पचा जाता है, ईर्ष्या रूपी विष को जो पचा जाता है, वही महान होता है, वही महादेव है, वही शिव है। हम इसी को तो पचा नहीं पाते। अरे गोस्वामी जी ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बना निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करे स्वभाव। निंदक को पास राखिए, निंदक सबसे बड़ा आपका हितैषी है, हमारा हितैषी है। जैसे आपने देखा, जब वस्त्र गंदा हो जाता है ना, तो वस्त्र गंदे वस्त्र को हम साफ करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं ना, साबुन से उसे धोते। तो साबुन और जल क्या करता है? गंदे वस्त्र को साफ कर देता है। और गंदे वस्त्र को साफ करने के बाद साबुन और जल क्या करता है? क्या करता है? उस गंदगी को स्वयं में ले लेता है, उस गंदगी को स्वयं में ले लेता है और वस्त्र को साफ कर देता है। और उस गंदगी लिए हुए जल और साबुन को हम कहां फेंक देते हैं? नाली में। बोलो। तो जो आपकी गंदगी को, जो हमारी गंदगी को स्वयं ले ले और हमें साफ रखे, इससे बड़ा शुभचिंतक दुनिया में बोलो कौन हो सकता है? हमारा कौन हो सकता है? इसलिए निंदक से कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। निंदक तो सबसे बड़ा हमारा हित चिंतक है, प्यारे हित चिंतक है। इसलिए जो निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अपमान, इनको जो पचा जाता है, इनको जो पी लेता है, वही महादेव है। तो पहला विष निकला, भगवान ने ग्रहण किया। दूसरा उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वो दैत्यों को दिया गया। एरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। पारिजात निकला, अप्सरा निकली, दोनों
देवताओं को दे दी गई। लक्ष्मी जी निकली, नारायण को वर्ण किया लक्ष्मी जी ने। मदिरा निकली, दैत्यों को दे दी गई। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दी गई। चंद्रमा निकला, शंख निकला, धन्वंतर जी निकले, धनुष निकला और चौदहवें रत्न के रूप में अमृत निकला। और जैसे ही अमृत निकला वैसे ही दैत्यों में झगड़ा होने लगा, दैत्यों के हाथ में पड़ गया अमृत का कलश। दैत्य आपस में लड़ने लगे, वो कहे हम पिएंगे, वो कहे हम पिएंगे। जब दैत्य आपस में लड़ने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट किया। अच्छा, दैत्य कौन है? दैत्य वही है जो न खाए और न खाने दे। एक बार दैत्यों ने भगवान से पूछा कि नाथ एक बात बताओ, हम भी एक ही बाप की संतान है, देवता भी उसी की संतान है, हमारे भाई हैं, लेकिन आप देवताओं का पक्ष सदैव लेते हो, हमारा पक्ष नहीं लेते हो, ये कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, दैत्यो तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है जो देवताओं के अंदर है। तुम्हारे संस्कारों में और देवताओं के संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है महाराज? बोले हम बता देंगे समय आने पर। तो भगवान ने देवता और दैत्यों दोनों को अपने निमंत्रण पे बुलाया, देवताओं को बुलाया, दैत्यों को भी बुलाया। दोनों लोग निमंत्रण के लिए गए। भगवान ने कहा निमंत्रण पे तो आयो लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बोले शर्त यह है कि दोनों के हाथों में डंडा बांधा जाए, सीधा, दोनों के हाथों में सीधा डंडा बांधा जाएगा, उसके बाद भोजन परसा जाएगा। तो दैत्यों के हाथों में भी सीधा डंडा बांध दिया गया और देवताओं के हाथ में सीधा डंडा बांध दिया गया। तो बोले आप बताओ पहले भोजन कौन करेगा? तो दैत्यों ने कहा पहले हम करेंगे। तो दैत्यों को बिठा ला गया, भोजन परोसा गया। अब दैत्यों के हाथ में तो डंडा बंधा सीधा, अब मुंह तक हाथ कैसे जाएगा, खाई नहीं पाए। पूरा भोजन रखा रहा, सारे दैत्य उठ करके चले गए। भगवान ने कहा हो गया? बोले हाँ हो गया। नहीं कर पाया? बोले नहीं कर पाया। अब देवताओं को बिठा ला, जैसे दैत्यों को आमने सामने बिठा ला ऐसे देवताओं को भी आमने सामने बिठा ला। Tell me, tell me,